नेपाल से छोड़ दिए वो पानी आज हो गए 8 दिन 8 दिन से ऐसे पानी सभी लोग अपना घर छोड़ चले गए हैं भाई। हे एवरीवन अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सईद असद, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी, होप करता हूँ दोस्तों आप सभी एकदम मस्त होंगे। तो अभी मैं हूँ दोस्तों राप्ती नदी पर, डुमरियागंज के राप्ती नदी के तट पर स्थित हूँ और मैं अभी चलने वाला हूँ दोस्तों रमुआपुर उर्फ नेबुआ गाँव में। वहाँ पर दोस्तों राप्ती नदी का जो बंध है, जो तटबंध है, वो पूरी तरह से कट चुका है, जिसकी वजह से वो पूरा गाँव बाढ़ से पीड़ित है। तो अभी हम लोग उस गांव में चलेंगे और वो तटबंध आपको दिखाएंगे कि कैसे वो बंधा कट चुका है और पूरा उस बंधे का पानी उस गांव में जा रहा है। गांव पूरा नदी ताल की तरह हो चुका है, गांव में नाय चल रही है और उस गांव के लोग जो हैं वो पलायन करके शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं। वहां पर भाई साहब खाने पीने की चीज़ें यानी खाद्य सामग्री उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिससे वहाँ के लोगों को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो आज के इस वीडियो में भाई आप आखिर तक बने रहो, चलते हैं उस गांव में। तो अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लो और इस वीडियो को आप लोग दबा के शेयर करो। चलते हैं आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अभी हम लोग हैं सहियापुर के नवीन मंडी स्थल पर और यहां दोस्तों इसके आगे जाने का देखो बाढ़ के कारण आगे रास्ता बंद है, सभी वाहनों का आवागमन पर प्रतिबंध लग चुका है सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी बाइक खड़ी करेंगे भाई और आगे का जो गांव है नेबुआर नौरंगिया उस गांव में हम लोग चलेंगे। वहाँ की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कैसे क्या हालात है उस गांव के। घर में लोग ताला लगाकर घर छोड़कर चले गए हैं भाई। गाइस इधर बाइक को मतलब बाइक लाने लायक नहीं था क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी है, सिलेंडर डूब जाता। तो हम लोग भाई देखो अपना कपड़ा भिगाते हुए चल रहे हैं, पूरा गाढ़ भर पानी है। ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए हम लोग जा रहे हैं भाई। गांव में नाव चलती है भाई, सब स्टीमर आगे चल रही है जैसा कि आप देख सकते हो। तो दोस्तों मैं हूं अभी सहियापुर के गांव जिसका नाम रमुआपुर उर्फ नेबुआ नौरंगिया है। तो इस गांव में भाई साहब पूरा बाढ़ आ चुका है जैसा कि देख सकते हो और अभी हम लोग रास्ते पर आए गाइस, रोड पर चल रहे हैं। ये पूरा रास्ता है जैसा कि आगे देख सकते हो और ये पूरा पानी भरा हुआ भाई यहाँ पर, और रोड पर स्टीमर चल रही है जैसा कि आप आगे देख पा रहे होंगे। यहाँ पर देखिए पूरा कैसे पानी भरा हुआ है भाई इस गांव में। गांव के लोग गाइस अपना घर बार छोड़कर पलायन कर चुके हैं, यहाँ से जा चुके हैं घर छोड़कर, क्योंकि सबके घरों में पानी भर चुका है। कुछ लोग छतों पर रह रहे हैं और जहाँ पर गाइस बांध कटा है अभी वो जगह आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ से जूम करके हम आपको दिखा देते हैं अभी वो जगह भाई साहब। वहाँ पर देखो वहाँ पर बांध कटा है, राप्ती नदी का बांध कटा है। दोस्तों हम लोग राप्ती नदी के तटबंध पर यानी कि कटान वाली जगह पर पहुंच चुके हैं और भाई साहब यहां पर देखो कितना ज़्यादा बंध कट चुका है, जिसकी वजह से पानी जो है पूरे गांव में जा रहा है। बहुत ही स्पीड से ये पानी गांव में घुस रहा है, जिसकी वजह से पूरा गांव बाढ़ से संक्रमित हो चुका है। पानी कब से है चाचा? ये 3-4 दिन हो गया। हाँ मतलब ये पानी 4 दिन हुआ, बुधवार को मैं इधर से गया हूँ तब रोड के नीचे पानी था। हाँ आज 4 दिन में इतना पानी पानी हो गया। ये पानी आने का कारण क्या है, मतलब पानी कहाँ से आया है ये सब? ये पानी ये बाढ़ का पानी है, बाढ़ का पानी है, का पानी है। जो नेपाल से छोड़ दिए पानी हाँ। वो पानी है। वो यार वहाँ रहे बंधा। अच्छा और जितने भी लोग वो बंधा कटा है तभी पानी आया यहाँ पर पूरा गांव। कितना गांव डूबा है यहाँ पर? अभी तो नहीं बता सकते हैं। अच्छा मैं इधर का हूँ नहीं। अच्छा अच्छा ये चाचा 4 दिन पहले गए थे यहाँ बिस्कोहर और आज आ रहे हैं तो इनको ये सब देखने को मिल रहा है जैसे पूरा पानी भरा है। तो आपका सामान डूबा हुआ नहीं? खाली बच गया। तो पैदल साइकिल पैदल लेकर आ रहे होंगे? हाँ यहाँ से पैदल। हाँ आगे से पैदल आ रहे हैं। अब 1.5 घंटा हो गया पानी में। कहाँ से आओ थे बाबू? कहाँ रहते बाबू? खुरपावा। तो आपके गांव में भी पानी भरा है? तो खुरपावा से पैदल आ रहे हो बाबू? हाँ पैदल आओ तो इतना दूर से। खुरपावा बहुत दूर है यार। लेने जा रहे हो? अच्छा तो मतलब आपके घर में पूरा पानी भर गया है? अच्छा इनके घर में पूरा पानी भर गया है तो अब जा रहे हैं अपने नानी के घर? सब लोग मतलब रिश्तेदारी में चले गए हैं, इतना ज़्यादा बाढ़ आ गया है। सरकार प्रशासन कोई आए थे देखने के लिए आपका घर? हुआ क्यों भी नहीं आ रहा? बच्चा सच्ची बोल रहा है भाई। हाँ जो भी बोल रहा है सही बोल रहा है। किसी को हम मतलब इंटरनेशनल न्यूज़ रिपोर्टर वाले तो है नहीं कि किसी को 150 दे के जो है मतलब रिपोर्टिंग करेंगे। कब से पानी भरा है ये चाचा? आज हो गए 8 दिन। 8 दिन से ऐसे है? पानी तो खाना पानी कैसे क्या होता है? खाना पानी जो बंधे पे बनाते खाते हैं क्या? अच्छा बंधे पे रहते हैं भाई अपना घर बार छोड़ कर। देखिए और जो मतलब पशु थे जैसे जीव जंतु गाय भैंस बकरी सबको उसी पे रखते हैं बंधे पे घर द्वार छोड़ के। और छोटे बच्चे भी होंगे सब बहुत ज्यादा। अच्छा बहुत ज्यादा परेशानी होता होगा? बहुत ज्यादा।
तो बाबा कोई देखने उखने आया कि नहीं सरकार की तरफ से कोई कुछ? नहीं, एक बार आज 4 दिन हुआ है एडीएम साहब आए थे। अच्छा, तो मतलब कुछ कहे कि नहीं? अब वो पता नहीं, हम तो अच्छे नहीं मौके। अच्छा अच्छा, जैसे दवा वा भी लेना होता बच्चों का तो बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा आप लोगों को। कठिनाई क्या, रास्ते नहीं है तो कैसे किधर से जाएंगे? अगर रास्ता भी है तो इतना पानी भरा हुआ कमर में, अरे सीना भर पानी। अच्छा, इतना पानी आने का कारण क्या बाबा जी? यहाँ पर यहाँ बंधा जो है। अच्छा, ये राप्ती नदी वाला बंधा और आगे सही नहीं हुआ है। अच्छा, उधर बंधा कट भी गया, देखते हैं अभी हम लोग। बाबा जी यहीं के आप निवासी हैं, यहीं के रहने वाले हैं, तो आपका घर भी डूबा हुआ हुआ है? डूबा। अच्छा, तब तो बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करता है। सारे का खाना पीना सब बंद है। अच्छा, खाना पीना बंद है तो कब से है ये? तो कहाँ सोते हो आप? सामने। अच्छा, यहीं पर सोते हो? और आपका घर कहाँ पर है? वो आगे है उधर। अच्छा, घर पे इसका मतलब आपके पूरे पानी भरा हुआ है। तो आप कुछ कहना चाहते हैं, आपकी कुछ मांग है सरकार वगैरह से? आप ये वीडियो सरकार क्या देगी? सरकार देख रही है, जो देने लायक रहेगी वो देगा। और क्या, कोई देखने वगैरह आया था घर पे? कोई प्रशासन के माध्यम कोई निरीक्षण करने आया था या नहीं? अभी तक कोई भी नहीं आया, तो कैसे आपको उम्मीद है कि मतलब कुछ मिल सकता है? और उम्मीद क्या रखी, अगर सरकार कुछ देता है जनता के लिए तो ठीक है, नहीं देगा तो भी। हाँ हाँ, सही है बिल्कुल। लगभग 8 दिन से चाचा का घर डूबा हुआ है, ये पलायन करके दूसरी जगह पे रह रहे हैं और बाकी कोई राहत इन्हें नहीं मिल रही है। तो दोस्तों, अभी हम लोग चल रहे हैं मन्नी जोत से सहियापुर वाले रास्ते पर हैं और पैदल चल रहे हैं भाई साहब। ये रास्ता है पूरा, ये आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर बंधे पर कुछ लोग रह रहे हैं। सो दोस्तों, हम उसी बंधे पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कैसे जिन लोगों के घरों में पानी घुस चुका है वो लोग आकर इस बंधे पर पल्ली वगैरह तान कर चारपाई वगैरह बिछा कर यहाँ पर रह रहे हैं भाई। इधर गांव पे चले गए दूसरे गांव पे। अच्छा, वहाँ पर यहाँ पर सब लोग पलायन करके दूसरे गांव रह रहे हैं। अच्छा, तो घर पे कोई नहीं है, मतलब सब लोग दूसरे जगह चले गए हैं। तो खाना पीना कैसे होता है यहाँ पर? अब वहीं पे जाके खाते हैं, मतलब देखने के लिए जा रहे हैं घर कैसा क्या है। हाँ हाँ, जरूरी है। तो दोस्तों, जिन लोगों का घर डूब चुका है देख सो, यहाँ पर कुछ लोग आकर तख्ते पे रह रहे हैं भाई, अपना सामान सभी ठेले पे रखे हुए हैं और यहाँ पे रह रहे हैं भाई। बाकी देखो नाव चल रहा है, नाव से लोग अपना घर देखने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, हम लोग सिद्धार्थनगर ज़िले के डुमरियागंज क्षेत्र में रमुआपुर नेबुआ नौरंगिया गाँव में थे और यहाँ पर हम लोगों ने ये पूरा आपको दिखाया कि कैसे यहाँ के लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग जितना हो सके शेयर करिए ताकि पीड़ित लोगों को कुछ राहत मिल सके सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, क्योंकि बहुत लोगों का घर डूब चुका है। लोग यहां पर आठ दिन से ऐसा ही माहौल है। तो इस वीडियो को आप सभी शेयर करो और आपके यहां बाढ़ की क्या स्थिति है, कैसे लोग रह रहे हैं, क्या आपके गाँव में पानी घुसा है या क्या माहौल है, आप लोग कमेंट करके बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए ऐसे ही और वीडियो के लिए। तो मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।